मिला है, यही तो लालू जी तो खत्म आदमी है, ये बैठ करके शादी करा रहा है, धर्म परिवर्तन करके गुजरात में कुल खानदान को नाश कर रहा है। तो जो बाप ने संस्कार दिया तो ना वो बेटी को संस्कार दे पाया, ना लड़का को बेटा को संस्कार दे पाया, बिहार को क्या संस्कार देगा? अब सब का पोल खुलेंगे, मिश्रा का भी पोल खुलेंगे, वो भी पढ़ती थी क्या करती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बचपन की दोस्त के साथ दिल्ली में अपनी बहन मीसा भारती के फार्म हाउस पर बेहद सादगी और परिवार के बीच में शादी रचाई। ऐसे में उन दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव उनकी शादी से बेहद नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में साधु यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी नाराजगी इस शादी को लेकर जताई और काफी अपशब्दों का इस्तेमाल भी लालू परिवार के लिए किया। ऐसे में मामा साधु यादव ने अपनी भांजियों के बारे में भी यहां तक कह दिया कि वो उनकी पोल तक सबके सामने खोलकर रख देंगे और अपने भांजे तेजस्वी यादव के बारे में यह भी कह दिया कि उन्होंने अपनी मर्यादा लांघ कर ये शादी की है और इस अंतर जातीय शादी को वो कभी नहीं स्वीकारेंगे। ऐसे में मामा साधु यादव बेहद गर्व नजर आ रहे हैं और जैसी उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है उससे तो साफ साफ ये जाहिर हो चुका है कि कभी भी साधु यादव तेजस्वी यादव की पत्नी को बहू के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं साधु यादव की। आज बात होगी साधु यादव की। ये वही साधु यादव है जिनकी हनक बिहार में फैली हुई थी, ये वही साधु यादव है जिन्होंने लालू और राबड़ी के शासनकाल में पूरी तरीके से राज किया था और ये वही साधु यादव है जिनका नाम अजय देवगन की फिल्म गंगा जल में सामने आया था। ऐसे में हम आपको पूरी दास्तां सुनाने जा रहे हैं साधु यादव की कि क्या कुछ किया है इन्होंने आज तक बिहार में लालू और राबड़ी के शासनकाल के दौरान। आखिर क्यों इनका नाम इतना बदनाम है, आखिर साधु यादव के नाम से आज से 10-20 साल पहले लोग इतने डरा करते थे और इनका नाम गंगा जल में क्यों आया था, जानिए पूरी कहानी मेरे साथ। अजय देवगन की फिल्म गंगा जल का सीन है जिसमें एसपी से साधु यादव कहता है, कुछ नहीं कर पाओगे एसपी, तुम जैसे कई आए और कई गए, हमरा कुछ नहीं उखाड़ सके। तब एसपी ने जवाब दिया था, हमारी चाय बहुत कड़वी होती है। फिल्म गंगा जल जब बिहार के सिनेमा घरों में लगी तो साधु के समर्थकों ने सिनेमा घर पर खूब बवाल किया था, मामला कोर्ट तक गया और फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा को कोर्ट में सफाई देनी पड़ी कि फिल्म में लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव और उनकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ एक किरदार का नाम है। प्रकाश झा के सफाई के उलट बिहार के लोग जानते रहे कि सच क्या है। सच यह है कि लालू राज में लालू प्रसाद के साले साधु यादव की तूती बोलती रही, उनकी दबंगी की अनगिनत कहानियां हैं। अब एक बार फिर से साधु इसीलिए चर्चा में है कि तेजस्वी यादव की शादी पर सवाल उठ रहे हैं और भी बहुत कुछ बोल रहे हैं साधु, शब्दों की मर्यादा तार तार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी उनके निशाने पर है। दरअसल साधु यादव लालू राज में दबंगई कर के पर्याय बन चुके थे, उन्हें कभी फूलों से तौला जाता रहा तो कभी सिक्कों से, उन्हें लोगों ने बाहुबली और दबंग कहा। लालू प्रसाद के विरोधियों के लिए साधु लालू राज का असली चेहरा बन गए। ये कहानी उस पेड़ की कहानी है जिसे लालू राज में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने लगाया था। इस पेड़ के कांटे जब तब चुभते रहते हैं। साधु यादव का जन्म 5 जुलाई 1967 को गोपालगंज में हुआ। लालू से रिश्ते ने साधु को राजनीति में मजबूती दी, वे गोपालगंज से सांसद और फिर विधायक भी बने। जिस बाढ़ राहत घोटाले में आईएएस गौतम गोस्वामी को जेल जाना पड़ा और तनाव में उनकी असमय मौत हो गई, उस बाढ़ राहत घोटाले में साधु का नाम भी सामने आया था, उन्हें सरेंडर करना पड़ा था और बाद में बेल मिला था। बिहार के चर्चित शिल्पी जैन मर्डर केस में भी इनका नाम सामने आया था और सीबीआई ने डीएनए टेस्ट कराने की बात कही थी, टेस्ट कराने से इन्होंने इनकार कर दिया था। बिहार भवन में जेएनयू के एक छात्र पर हमले का आरोप भी इन्हीं पर लगा था। ऐसे कई आरोपों से घिरे रहे हैं साधु यादव। गोली चलाकर दहशत फैलाने, हत्या की कोशिश, रंगदारी ना देने पर पीटने, दंगा फैलाने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत कई आरोप इन पर लग चुके हैं। यह सच है कि लालू राज में साधु की तूती बोलती थी, उनकी बात कोई अक्सर ना माने ऐसी मजाल नहीं।
लेकिन साधु का कहना है कि मुझे बदनाम किया गया। वे कह रहे हैं कि लालू राज के सारे गुंडे मवालियों का ठिकरा उन पर फोड़कर उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई। साल 2009 में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के रिश्ते साधु यादव से बिगड़ गए। लालू परिवार का मन जब साधु से खट्टा हो गया तब साधु ने कई पार्टियों के टिकट से चुनाव जीतने की कोशिश की, पर जनता उन्हें नकारती रही। रिश्ते में ऐसी खटास आई कि सारण लोकसभा से बहन राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ गए। साधु यादव की बेटी की शादी में भी लालू परिवार से कोई शामिल नहीं हुआ था। अब लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेजस्वी यादव की शादी में अपने भाई भौजाई को आने का न्योता दिया, पर राबड़ी देवी ने साधु को नहीं बुलाया। साधु का गुस्सा आसमान पर है। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव जो अपने भांजे तेजस्वी यादव की शादी से आज इतने नाखुश नजर आ रहे हैं, उनकी इतनी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये वही साधु यादव है जिनकी तूती लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार में बोला करती थी, जिनके नाम से लोग थर थर कांपते थे और इन्हें बाहुबली के नाम से बुलाया जाता था। ऐसे में ये वही साधु यादव है जिन्हें कभी फूलों की माला से तो कभी सिक्कों से तोला जाता था। आज ये साधु यादव अपने ही भांजे भांजियों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि साधु यादव हमेशा इस बात को नकारते रहे हैं कि उन्हें सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में सारे गुंडे मवालियों का ठिकरा इन पर फोड़ दिया गया और गंगा जल में जिस साधु यादव का नाम लिया गया उसके बारे में इनका कहना है कि इन्हें उस तरीके से बदनाम किया गया। हालांकि प्रकाश झा ने इस बात की पुष्टि की कि साधु यादव एक काल्पनिक नाम है जिसका इस्तेमाल उनके फिल्म में किया गया था। ऐसे में हमने आपको साधु यादव की वो दास्ता बताई जिसे बिहार के लोग कई सालों से जानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।